फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्री। पेबल फूड कार्ट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको लेके आई हूं दिल खुश वड़ा पाव भेल सेंटर पे, जहां पे नाम सुन के ही दिल खुश हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इनके पास क्या क्या वैरायटीज है जो दिल को खुश कर देगी। जैसे कि दिल खुश वड़ा पाव भेल सेंटर लोकेटेड है बीके रोड 711 स्क्वायर हॉस्पिटल के सामने। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जो इस स्टॉल के ओनर है उनके साथ हूँ। सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम अशोक पारगी। आपका ये स्टॉल कितने टाइम से है यहाँ पे? 4 से 5 साल हो गए। अच्छा, 4 से 5 साल हो गए और आप यहीं पे हो? आप और आपकी वाइफ है? हाँ। उनका नाम? मैम, आपका नाम जान सकती हूँ? माया पारगी। अच्छा भैया, क्या मैं जान सकती हूँ आपका ये जो स्टॉल का नाम दिल खुश क्यों रखा है आपने? वो मैडम, हमारा ये इसके ऊपर रखा हुआ है क्योंकि जो खाते वो इंसान को लगना चाहिए कि ये दिल से खाया है। अच्छा, मतलब खाते ही दिल खुश हो जाए, इसलिए आपने दिल खुश नाम रखा है। और आपका ये स्टॉल कितने बजे से लेके कितने बजे तक होता है? यहाँ पे टाइमिंग क्या है? ये 5 बजे से रात को 10 बजे तक। मतलब डेली 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक होता है? शाम के टाइम में एवरी डे होता है। आपकी स्पेशलिटी क्या है या फिर आपके पास क्या क्या आइटम्स है अभी? हमारे पास में चाइनीज भेल है, मंचूरियन भेल है, मंचूरियन है, चाइनीज वड़ा पाव है, सूप है। वाओ, इतनी सारी आइटम्स है यहाँ पे इनके पास। मेरे को तो सुन के ही मतलब मुंह को पानी आ रहा है। मुझे बता सकते हो आप ये जो सारी आइटम्स है आप खुद बनाते हो या आपकी बीवी बनाती है या फिर आप दोनों साथ में मिलके बनाते हो? दोनों मिलके बनाते हैं। आपकी वाइफ सबसे अच्छा क्या बना लेती है? वो मंचूरियन है, सूप है, वड़ा पाव है, चाइनीज भेल है, सब आइटम दोनों मिलके ही बनाते हैं, दोनों का बराबर ही है। ओके, मैं जानना चाहूँगी आपसे, अभी आप मुझे टेस्ट करने के लिए क्या दे सकते हो? मतलब लाइक आपकी जो स्पेशलिटी है वो आपके ऊपर, आप जो टेस्ट करना चाहिए चाहेंगे वो मिलेगा। बट आप कौन सी चीज़ है जो आप एकदम अच्छे से बना सकते हो, जो बाकी चाइनीज वाले जो होते हैं उनके बराबरी में सबसे बेस्ट आपके पास है? क्योंकि सब चाइनीज वाले के पास में हमारा जो नया आइटम है चाइनीज वड़ा पाव, वो आइटम बाकी सब चाइनीज वालों के पास में नहीं मिलेगा, वो नया आइटम है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नया ट्राई करना हो चाइनीज में तो आप यहाँ पे दिलखुश स्टॉल को जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नई चीज खाने मिलेगी, चाइनीज वड़ा पाव। नॉर्मली वड़ा पाव तो मुंबई का वड़ा पाव फेमस है, बट यहाँ पे आपको अलग मिलेगा चाइनीज वड़ा पाव। तो आप बता सकते हो ये वड़ा पाव और जो ये चाइनीज वड़ा पाव और जो अपना नॉर्मल वड़ा पाव होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा ये जो वड़ा पाव है उसके अंदर है ना बीट, गाजर, शिमला और पत्ता गोभी का मसाला रहता है, और जो नॉर्मल वड़ा पाव रहता है उसमें बटाटे का मसाला रहता है। जैसे कि हमने सुना इसमें ये हेल्थ कॉन्शियस रह के ये वड़ा बनाया गया है जिसमें कैरेट और बीट, मोस्टली हम लोग जब कैरेट बीट खाते हैं तो बच्चे हो बड़े हो कैरेट बीट खाने के लिए कतराते हैं, बट अगर आप कैरेट बीट ऐसे नहीं खा सकते तो आप ये वड़ा पाव जरूर खाएं जिसमें कैरेट और बीट मिक्स किया गया है, जो कि अपने बॉडी के लिए खून बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गाइस, हम लोग देख सकते हैं मेरे साथ अभी एक प्यारी प्यारी बच्चिया है जो यहाँ पे दिलखुश वड़ा पाव भेल सेंटर पे आई हुई है यहाँ के फूड का स्वाद लेने के लिए। तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी। बेटा, आपका नाम क्या है? राशि सिंह। क्या नाम है? राशि सिंह। आपका बेटा? वेदिका शर्मा। आपका? साक्षी सिंह। आपका? वेदिका दुबे। ओ, तो आपका नाम, दोनों का नाम वेदिका है? दोनों का नाम वेदिका है, सॉरी। आप हमेशा यहाँ पे आते हो? हाँ। आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है? ये पकोड़ा पाव। पकोड़ा पाव। आपको? मंचूरियन पाव। मंचूरियन पाव। तो आप एवरीडे आते हो यहाँ पे या एक दिन के बाद या फिर हमेशा आते हो आप यहाँ पे? हमारे पास पैसा होता है तब हम आ जाते हैं यहाँ पे। जब भी बच्चों के पास पैसे होते हैं इनके पास तो होता, हमें यही दुकान बेस्ट लगती है खाने के लिए यहाँ पे। जैसे कि साक्षी ने हमें बताया कि
जब भी उनको चाइनीज खाने का मूड होता है तो वहाँ वो उस टाइम पे सिर्फ दिलखुश वड़ा पाव भेल सेंटर पे आती है, क्योंकि उनको यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा सिर्फ यही चाइनीज लगता है। देख रहे यहाँ पे दिलखुश वड़ा पाव सेंटर पे अभी मेरे लिए एक चाइनीज वड़ा पाव बन रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो खाने के लिए, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि जो वड़ा पाव है ये इनकी स्पेशलिटी है और ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दिलखुश वड़ा पाव सेंटर पे ही आना पड़ेगा चाइनीज वड़ा पाव खाने के लिए। अभी मैं थोड़े ही टाइम में जैसे ही मेरे को मिलता है मैं आपको बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है, यम्मी है। और प्लस पॉइंट ये है कि जनरली चाइनीज में हेल्दी चीज़ें बहुत कम होती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें इन्होंने हमें बताया था इसमें कैरेट बीट भी इन्होंने मिक्स किया हुआ है, तो बेसिकली ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, आप बिंदास ये चाइनीज वड़ा पाव खा सकते हो। हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे मुझे वड़ा पाव मिल गया है। अभी इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं इन्होंने वड़ा एंड जो पाव होता है वो बटर में कम्प्लीटली फ्राई करने के बाद उस पे चटनी डालने के बाद चटनी के ऊपर इन्होंने ये चाइनीज सेव डाली है, फिर उसके बाद ये वड़ा दिया है। अभी मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ। मतलब इसमें कैरेट बीट यूज किया हुआ है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कैरेट बीट, जैसे कि बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, यंग जनरेशन होती है, कैरेट बीट खाने के लिए बहुत कतराते हैं। आप अगर ये वड़ा पाव खाओगे कैरेट बीट अंदर चला भी जाएगा और चाइनीज का स्वाद भी आ जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। ये स्पेशलिटी है इस वड़ा पाव की। जैसे कि ये दिलखुश वड़ा पाव जो है, चाइनीज वड़ा पाव जो दिलखुश की स्पेशलिटी है, वो खा के मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया है। आपका दिल खुश होता है कि नहीं, हुआ कि नहीं, ये जानने के लिए आपको यहाँ पे विजिट करनी पड़ेगी, इसीलिए आपको दिलखुश वड़ा पाव भेल सेंटर को विजिट करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना यम्मी है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगा है। आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। सो गाइज, अगर आपको ये दिलखुश वड़ा पाव भेल सेंटर का वीडियो देख के आपका भी दिल खुश हुआ हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें पेबल फूड कार्ट एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल बटन आइकॉन। थैंक यू।